हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था, फर्स्ट द क्रैंकी मैकाओ, जिसमें हमने क्रैंकी मैकाओ के बारे में पढ़ रहे थे कि वो किस प्रकार से जॉनी जे का किस प्रकार से फ्रेंड रहता है और किस प्रकार से वो हरकतें करता है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड पार्ट के अंदर कि वो किस प्रकार से नोटी हरकतें करता है। यहाँ तक कि जॉनी जे के साथ में वो मूवी देखता है और मूवी देख करके और उसके अंदर जो गन फायर्स होती हैं, गन फायर्स की हूबहू कॉपी करता हुआ और अपनी आवाज़ में गन फायर की आवाज़ निकालता है। ही लव टू विसिल, यानी कि वो विसिल बजाना पसंद करता था। जब भी, यहाँ तक कि जब भी वह किसी लड़की या किसी औरत को देखता था तो वह उनके सामने जा कर के और तेजी से विसिल बजाया करता था और फेंट यानी बेहोश होने का बहाना बना लेता था। तो वेन एवर ही सा ए गर्ल और वुमेन, जब भी वो किसी लड़की और औरत को देखता था, ही वुड विसिल लाउडली एंड प्रिटेंड टू फेंट। तेजी से वो विसिल बजाता था और फेंट होने का बहाना बना करके और वापस छिप जाता था। ही ऑल्सो थ्रू हीज फेवरेट फूड, यानी कभी कभार हरकतें करता हुआ अपनी जो फेवरेट जो फूड होता था उस फेवरेट फूड को भी इधर उधर फेंक देता था। सनफ्लावर सीड्स, सनफ्लावर के जो सीड्स होते थे उनको थ्रो आउट द जॉनी हाउस, जॉनी के घर में चारों तरफ बिखेर देता था। एंड लव टू हाइड बिहाइंड द थिंग्स, और चुपचाप से जाकर के किसी भी चीज, किसी भी वस्तु के पीछे जाकर के छुप जाया करता था। जॉनी जे एंड क्रेजी कूट वर ए वेल मैच पेयर, जॉनी जे और क्रेजी कूट बहुत ही अच्छे मैच पेयर थे। स्टबर बहुत जिद्दी स्वभाव का था एंड सॉलिटरी और एकांत में रहना पसंद करते थे। तो देखते हैं कि साथियों कि जॉनी जेज ओल्डर सिस्टर मिस मे वॉज नॉट फाउंड ऑफ द मेकाओ। जॉनी जे की जो बहन होती है मिस मे जिसका नाम होता है, वह मेकाओ को पसंद नहीं करती थी। सी वुड विजिट देम व्हेन जॉनी जे एंड क्रेजी कूट वर स्टेइंग इन देयर होम ऑन द आइलैंड ऑफ द गोना। जब भी वह उनसे मिलने के लिए जाया करती थी, जॉनी जे एंड क्रेजी कूट से, वर स्टेइंग इन देयर होम, तो जब भी वह घर पर मिलते थे, जब जब भी रुके रहते थे तभी वो उनके पास में मिलने के लिए जाते थे ऑन द आइलैंड ऑफ द गोना, गोना के आइलैंड पर। वेन एवर मिसी मे वॉज अराउंड क्रेजी कूट ही वुड स्क्रीच एट हर। जब भी मिसी मे अराउंड क्रेजी कूट, जब क्रेजी कूट के पास में जब वो जाती थी तो ही वुड स्क्रीच, स्क्रीच का मीन्स होता है मेक लाउड हाई अनप्लीजेंट साउंड, बहुत तेजी से आवाज करता था उसकी तरफ। किसकी तरफ? मिसी मे की तरफ। मिसी मे कौन होती है? मिसी में जॉनी जे की एक ओल्डर सिस्टर होती है। जब भी वह उसके पास जाती थी तो उसके पास जा करके और जो पैरट होता था, पैरट बहुत तेजी के साथ में चीखता था। देन ही वुड मेक साउंड ऑफ पुलिस सायरन, यहां तक कि पुलिस सायरन की भी आवाज निकालता था। एंड गन शॉट और गोलियां चलने की आवाज निकालता था। एंड लाफ लाउडली और बहुत तेजी के साथ हंसता था। मिसी में एज यू कैन इमेजिन वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ क्रेजी किट। जैसा कि आप जानते हैं कि इन सारी हरकतों से मिसी में उसके साथ खुश नहीं रहती थी, वह उसको पसंद नहीं करती थी। एक दिन क्या हरकत होती है कि वन आफ्टरनून मिसी में कैम टू विजिट जॉनी जे।
एक दिन दोपहर के बाद मिसी में जोहनी जैसे मिलने आती है। When she did not find her brother in the house, जब वह अपने भाई को घर पर नहीं पाती है, वह घर पर नहीं मिल पाती है, she decided to sleep in the parlor, तो वह एक पार्लर में कुछ समय के लिए रेस्ट करने के लिए चली जाती है। पार्लर का मीन्स होता है स्मॉल रूम ऑफ ए गेस्ट, गेस्ट के लिए एक छोटा सा रूम उसके केबिन में बना होता है, उस केबिन में जाकर के वो कुछ समय के लिए रेस्ट करने के लिए चली जाती है। सी इग्नोर क्रेजी कूट, और वह क्रेजी कूट को इग्नोर कर देती है, उसको अनदेखा कर देती है, उसको अनदेखा देख करके व्हेन ही डिड नॉट गेट द अटेंशन दैट ही वांटेड क्रेजी कूट स्टार्टेड मटरिंग। जब उसने इस बात को जाना कि उसने उस पर ध्यान नहीं दिया है, तो केजी कूट ने बहुत तेजी के साथ में मटरिंग करना शुरू कर दिया, यानी आपस एक दूसरे को बात करना शुरू कर दिया। एंड देन हिड बिहाइंड सम बुक्स, और मटरिंग करता हुआ और कुछ वहां पर पुस्तकें रखी हुई थी उन पुस्तकों के पास पीछे जाकर के वो छिप जाता है, बार बार हरकत करता हुआ और पुस्तकों के पास जाकर के छिप जाता है। Then a thief climbed in from the window of the parlor. तभी वहां पर एक थीप होता है, चोर, जो विंडो में होकर के पार्लर में घुसने की कोशिश करता है। He started putting things in his bag. वह धीरे धीरे अपने बैग के अंदर सारे सामान को रखना शुरू कर देता है। Because he did not want to wake up Missy May. वह नहीं चाहता कि मिसी में जाग जाए। बट ही थीप डिड नॉट नो अबाउट क्रेजी कूट, लेकिन उस चोर को क्रेजी कूट के बारे में मालूम नहीं होता है। वो वाज हाइडिंग बिहाइंड द बुक, जो उसको ये मालूम नहीं होता है कि वह भी क्रेजी कूट एक बुक्स के पीछे छिपा हुआ होता है। अब नेक्स्ट क्या होता है, आउट ऑफ नोवेयर समवन शाउटेड यू थीप। अब बाहर से उसे आवाज सुनाई देती है, चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, आउट ऑफ नोवेयर समवन शाउटेड, वो तेजी से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, यू थीप यू किल मी, आप चोर हैं, यू किल मी, आप मुझे मार देना चाहते हैं, आप मुझे मार दोगे, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, आई कॉल पुलिस यू गो टू जेल, मैं पुलिस को बुलाता हूं और आपको जेल भेज देता हूं। इट वॉज फॉलोड बाई द साउंड ऑफ पुलिस आयरन, और कुछ समय के बाद में तेजी से पुलिस आयरन की आवाज सुनाई देती है, एंड गन शॉट, और बंदूकों के चलने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कौन निकालता है, ये आवाज वही पैरट मैकाऊ जो होता है, मैकाऊ उस साइरन की आवाज निकालता है और गनशॉट की आवाज निकालता है। सडनली टेरिफाइड द थीप स्टूड एज इफ ही हैड टर्न इनटू द स्टोन, अचानक ही टेरिफाइड में कांपता हुआ डरता हुआ द थीप स्टूड, वो चोर एकदम खड़ा हो गया, एज इफ ही हैड टर्न इनटू स्टोन, जैसे कि वो एकदम जड़वत तरीके से पत्थर की तरीके से और एकदम खड़ा हो गया। उसने सोचा कि वास्तव में ही शायद पुलिस आ गई है और पुलिस के गोली चलने की आवाज सुनाई दे रही है। द थीप जंप टू एस्केप, और इतना सुनते ही वो चोर एकदम भागने की कोशिश करता है, भागने के लिए उछलता है। एंड एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, द सिस्टर शॉट अप, और उसकी जो बहन होती है वो बहन एकदम खड़ी हो जाती है, जाग जाती है फ्रॉम द चेयर, और वहां पर जो रखी हुई जो चेयर होती है उस चेयर से एकदम खड़ी हो जाती है। सरप्राइज द थीप ट्रिप ट्राइव, आश्चर्यचकित होकर के जब ट्राइव कमिस होता है, स्टम्बल्ड एंड फेल, तभी अचानक वो चोर गिर जाता है, एंड स्ट्रक हिज हेड ऑन द टेबल, और उसकी जो उसका जो सिर होता है एकदम टेबल से टकरा जाता है। ही फेंटेड, और
टेबल से टकराने के बाद वो एकदम बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद मिसी मे देन कॉल्ड द पुलिस, तभी मिसी मे पुलिस को बुला लेती है, वो अरेस्टेड द थीफ, और पुलिस आकर के और थीफ को अरेस्ट कर लेती है। फीलिंग एस्थेटिक एट बींग सेव्ड, आप देखते हैं कि यहाँ पर एस्थेटिक वर्ड आ रहा है, एस्थेटिक में सुनता है वेरी हैप्पी, बहुत खुश महसूस करते हुए, एट बींग सेव्ड, अपने आप को सुरक्षित समझते हुए मिसी मे वेंट टू क्रेजी कूट, और मिसी मे एकदम क्रेजी कूट के पास जाती है।